नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल अधिकार के लिए टाटा, पतंजलि, जियो, अन अकेडमी और बायजू जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन ने इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम है कि इस कंपनी ने चीनी कंपनी की हिस्सेदारी है। बता दें, ड्रीम इलेवन ने वीवो की जगह ली है, जिसे सीमा पर भारत चीन के बीच विवाद के बाद टाइटल अधिकार से हटना पड़ा था। बता दें, ड्रीम इलेवन एक भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना हर्ष जैन और भावित शेठ ने की थी। ड्रीम इलेवन के हितधारकों में शामिल इसके संस्थापक और 400 से अधिक कर्मचारी भारतीय हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की टेक कंपनी टेंसेंट ने 2018 में ड्रीम इलेवन में $10 करोड़, उस वक्त के हिसाब से 720 करोड़ रुपये, यानी मौजूदा हिसाब से 746 करोड़ रुपये का निवेश किया था। चीनी नियंत्रण वाले हांगकांग की कंपनी स्टेट ड्यू कैपिटल ने भी 2019 में $6 करोड़ यानी करीब 448 करोड़ रुपए इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। ड्रीम इलेवन स्पोर्ट्स ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है। ये क्रिकेट के अलावा फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी में भी उपलब्ध है। 2008 में बचपन के दोस्त हर्ष जैन और भावित सेठ ने ड्रीम इलेवन की शुरुआत की थी। 2012 से ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीग भारत में लोकप्रिय होना शुरू हुआ और कंपनी ने इसकी जमकर मार्केटिंग की। 2018 में ही ड्रीम इलेवन ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और दिमाग धोनी कैंपेन की शुरुआत कर दी, और देखते ही देखते इसके 40 लाख से ज़्यादा यूज़र हो गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।